घोटाले में सजा याफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव की मदद के लिए बिहार का एक दंपति सामने आया है। दरअसल लालू यादव कई बीमारियों से घिरे हैं। उनका रांची स्थित रिम्स में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी किडनी लगभग 65% खराब हो चुकी है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक है। बीच में तो लालू यादव का ब्लड प्रेशर भी काफी कम हो गया था। रिम्स की तरफ से जारी लालू यादव की किडनी रिपोर्ट के मुताबिक लालू प्रसाद यादव की किडनी काफी हद तक खराब हो चुकी है। हाल ही में कुछ सुधार तो जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी स्थिति चिंताजनक ही है। ऐसे में सहरसा के एक दंपत्ति ने लालू यादव के लिए अपनी किडनी दान करने की घोषणा की है। ये घोषणा लोजद नेता प्रवीण आनंद और उनकी पत्नी प्रियंका आनंद ने की है। लोजद नेता ने कहा कि लालू यादव गरीबों, शोषितों और दबे कुचलों के नेता हैं। उनके जिंदा रहने से विपक्ष जिंदा रहेगा, यही वजह है कि वो उन्हें अपनी किडनी दान करना चाहते हैं। वहीं जिला पार्षद प्रियंका आनंद का कहना है कि मैं चाहती हूं कि मेरी किडनी की जांच की जाए। अगर उनसे मेरी किडनी मैच खाती है तो हमें लालू जी को किडनी देने में कोई एतराज नहीं है। हम उन्हें अपनी किडनी दान करना चाहते हैं। बता दें कि लालू यादव को कई गंभीर बीमारियों ने घेर रखा है। इनमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और किडनी जैसी बीमारियां शामिल है। चारा घोटाले से जुड़े केस में दोषी ठहरा जाने के बाद लालू यादव के लिए संकट का दौर चल रहा है। लालू यादव को रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती हुए एक साल से ज्यादा का समय हो गया है। न्यूज डेस्क।